हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न सूप। उसके लिए मैंने ये कॉर्न लिए हैं, 1 कप कॉर्न है, इसको बॉईल करके लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक है, 1 टेबलस्पून लहसुन है, 2 टेबलस्पून कटा हुआ बारीक प्याज है और 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई गाजर है। तो सबसे पहले हम इस कॉर्न में से 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्न लेंगे और उसको मिक्सी में पीस लेंगे ताकि इसका सूप का गाढ़ापन बढ़ने के लिए इसको मिक्सी में एकदम फाइन पेस्ट करेंगे। 1 टेबलस्पून कढ़ाई में बटर डालेंगे। 1 लहसुन डालेंगे। 1 अदरक, इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इनका कच्चापन दूर होने तक ही इनको पकने देना है। 1 मिनट तक पकने दिया, अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को 1 मिनट तक पकाएंगे। गाजर डालेंगे। स्वीट कॉर्न डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 कप पानी डालेंगे और इसको पकने देंगे। स्वीट कॉर्न का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। आप इसमें व्हाइट पेपर हो तो व्हाइट पेपर भी डाल सकते हैं। व्हाइट पेपर का पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे। ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का पाउडर है, इसमें पानी मिला के इसका घोल बना लेते हैं। कॉर्नफ्लोर के घोल को सूप में मिला देते हैं ताकि सूप अच्छे से गाढ़ा बन जाए। 1 टीस्पून शक्कर डालेंगे ताकि स्वीट कॉर्न का टेस्ट जो है वो शक्कर की वजह से उभर के आता है। 1 टेबलस्पून क्रीम मिलाएंगे, इससे सूप का फ्लेवर भी बढ़ जाता है और उसका टेक्सचर भी अच्छा आता है। सूप बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस मिलाएंगे। पहले मिलाने से ये इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है, इसलिए गैस बंद करने के बाद ही नींबू का रस मिलाना है। एकदम से हमारा अच्छा गाढ़ा टेस्टी सूप बनके तैयार हो गया है। ऊपर से थोड़ा सा 1 टेबलस्पून बारीक कटा हरा प्याज मिक्स करते हैं और सूप को सर्व करते हैं। गर्मा गर्म हेल्दी टेस्टी स्वीट कॉर्न का सूप बनकर तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।